दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखेंगे। और इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और वो खो गया है, तो भी आप एक नया मोबाइल नंबर डाल के प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए ऑर्डर कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर टाइप करना है UIDAI। देखिए, इस तरीके से UIDAI टाइप करना है और फिर इसे सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो ये सबसे ऊपर ही इसका वेबसाइट आ गया, UIDAI.gov.in। अब इसी के ऊपर क्लिक करके हमें ओपन करना है और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्डर आधार PVC कार्ड, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक बार और हमें ऑर्डर आधार PVC कार्ड के टैब पे क्लिक करना है और फिर से एक ये इस तरीके का पेज ओपन होगा। अभी हमें यहाँ पे सबसे ऊपर अपना आधार नंबर डालना है और फिर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे जैसे इसमें लिखा है। अगर बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर ही टाइप करना है, छोटा अक्षर है तो फिर छोटा अक्षर टाइप करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर दिया और इस कैप्चा कोड को भी नीचे टाइप कर दिया। अभी इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करते ही नीचे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डालें और फिर यहाँ पे सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दिया, अभी मैं सेंड OTP के बटन पे क्लिक करूँगा तो इसी नंबर पे एक OTP आएगा। उसको यहाँ पे नीचे के तरफ OTP डालने का ऑप्शन है, ये रहा, यहाँ एंटर OTP में अपना OTP को टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे OTP टाइप कर दिया। अब नीचे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो फिर हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि इस आधार कार्ड के लिए हमें 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके का एक पॉपअप आया है, इसमें ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद अभी हमें पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस टैब पे क्लिक करना है, तो ये टिक मार्क हो जाएगा और फिर यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे ऐसे क्लिक कर देना है। तो फिर हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे और अभी हमें पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ सबसे ऊपर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर वॉलेट के द्वारा, अमेजन पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे के द्वारा या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर UPI के द्वारा। तो हम यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करेंगे, तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद अपना कार्ड का डिटेल्स डालना है। सबसे ऊपर कार्ड नंबर डालना है और फिर एक्सपायरी डेट और फिर यहाँ पे CVV नंबर और फिर कार्ड पे जो नाम है वो डालना है और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं कार्ड का डिटेल्स भर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कार्ड का पूरा डिटेल्स भर लिया, अभी मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारे जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे OTP टाइप कर दिया। अभी कंप्लीट पेमेंट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारा बैंक अकाउंट से 50 रुपये कट जाएगा और फिर पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा और हमारा प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए जो हमने ऑर्डर किया था वो सक्सेसफुली ऑर्डर रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैक बटन नहीं दबाना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे वेट करिए कुछ देर, ये पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए, सक्सेस का मैसेज भी आ गया और ये इस तरीके से यहाँ पे सक्सेस लिख दिया, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। और पेमेंट का डेट भी यहाँ पे आपको एक SRN नंबर मिल गया, आप इस SRN नंबर को कॉपी करके रख लीजिए क्योंकि इसी से इस एप्लीकेशन का आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। और हमारा जो ऑर्डर करने का प्रक्रिया है, ऑनलाइन ऑर्डर का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अब 4 से 6 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डाक के द्वारा आपका प्लास्टिक आधार कार्ड आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपना प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए ऑर्डर किया था तो 4थे दिन मेरे एड्रेस पे आ चुका था। तो दोस्तों, ऐसे करके आप प्लास्टिक आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।